Hello everyone, welcome back to Knock Knock Your Education. Here we have Prashant with us, who has secured All India Rank 364 this year. A very big congratulations to you, Prashant. Thank you, ma'am. Congratulations, Prashant. So, शुरुआत करते हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से एंड आपकी बैचलर्स से कि आपने बैचलर्स कहाँ से की है. मैंने प्रशांत कुमार साहू, मेरा बैचलर में प्राणनाथ रत्न कॉलेज खुर्दा ओडिशा से कर रहा हूँ. अभी मैं 5th 6th सेम में हूँ. ओके, तो बैचलर्स में आपका मतलब पूरा ऑनर्स मैथमेटिक्स में रहा है या फिर? हाँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स. मैथमेटिक्स ऑनर्स, ओके, नाइस. So Prashant, when did you started preparing for this exam and how do you got to know about IIT JAM? मैम, जाम में प्लस टू में जान गया था. जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स है वो लोग जाम देख के आईआईटी में पढ़ जाते, तो वो लोग को हमारे कॉलेज में बोले आए थे, तो वहाँ से मैं जान गया था कि जाम के थ्रू आईआईटी में जाना है. जब मैं जेई में क्वालिफाई नहीं हो पाया तब ऐसे इंटरनल सर्च करा जाम के बारे में, और मैथ में इंटरेस्ट है तो ऐसे ऑनर अकेडमी वो बीएससी फर्स्ट ईयर में डाउनलोड कर लिया था, बट यूज नहीं कर पाया. तो जब फाइनल ईयर में हुआ तो यूज करने स्टार्ट किया जनवरी के मंथ में. ओके, तो दिस वाज योर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? यस सर. ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी करने से पहले ऐसा मन में ख्याल आया था कि यार ये सब चीजें कैसे कंप्लीट की जाए, इतने सारे टॉपिक्स किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, कैसे तैयारी शुरू को, तो आपने बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से किया, वो स्टार्ट आपने कहाँ से लिया आईआईटी जेएम प्रिपरेशन के लिए? सर, सच बोलूँ तो मैं बीएस में कुछ नहीं पढ़ रहा था, इससे मोबाइल पबजी वगैरह खेल के मेरा टाइम वेस्ट ही कर रहा था. तो जब लॉकडाउन के एंड हो गया तब तो जब कॉलेज खुला तो लगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो टेंशन लगा कि फेल हो जाऊंगा. तो मैंने यूट्यूब से ग्रुप थ्योरी था उस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो ग्रुप थ्योरी स्टार्टिंग करा. तो एक ऐसे एक शाम में एक फ्रेंड से बात हो रहा था, तो उसको बोला मैं तो ऑन अकेडमी से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ स्पेशल पे. तो मैंने उस दिन ही ऑन अकेडमी इंस्टॉल किया. फर्स्ट तो मैंने फर्स्ट ईयर किया था तो नहीं समझ पाया कि कैसे यूज करूँ, तो ऑन इंस्टॉल ही कर दिया था. तो देन यूज करा तो फर्स्ट क्लास आपका था, जीटी आप शुरू किए थे उस टाइम, तो आपसे ही शुरू किया. देन आप बोले कि इसके क्लास के बाद मैम की क्लास चले जाना, तो मैम एक क्विज रखे थे, तो वो क्विज भी 1 आवर का देखा. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैम जो समझा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कर लिया कि यहाँ से शुरू करना है. तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया था. तो ये 1 मंथ का जीटी क्रोस चल रहा था आपका बिफोर जाम 21 के बिफोर आपका चल रहा था 1 मंथ का, तो वहाँ से शुरू किया था. देन जनवरी 21 में, 21 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था प्लस कोर्स. ओके, तो जनवरी या दिसंबर मंथ में स्टार्ट किया था ऑन अकेडमी जर्नी में. प्लस में आपका क्लास देख रहा था, अच्छा लगा था. सो देन प्रशांत, आई थिंक आपने पूरा एक साल तैयारी करी, सो व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? लाइक कभी लगता था हाँ छोड़ देना चाहिए, या फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, क्योंकि दिस 1 ईयर जर्नी इज नॉट अ शॉर्ट टाइम कि हाँ बस ऐसे ही निकल गया. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ मैम, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था फर्स्ट. जब आपके सार का कोर्स स्टार्ट नहीं होता तो आपने फंक्शन ऑफ सेवरल फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो वो अटेंड किया. देन ये इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, ये 3 सब्जेक्ट पहले मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था. तो मैंने सोचा ऑन अकेडमी भेज देता हूँ और किसी को ग्रुप में से पूछ देता हूँ, किसी को चाहिए तो लेने ला. मैंने 2 साल का ले रखा था, तो ऐसे मेरे को लगा नहीं 2 साल का है, इस साल कुछ सीख लूँगा देन अगले साल जाम को क्रैक करूँगा. तो ऐसे मन को मैंने ऐसे ऐसे समझा के अप्रैल में अच्छे से भी स्टार्ट किया था, अप्रैल या मई में एकदम अच्छे से किया था.
ओके, तो मतलब ऑन एंड एवरेज आप अनअकैडमी पे या फिर आईआईटी जेम की तैयारी के लिए तुम कितना घंटे दिन में देते थे यहाँ पर? सर, स्टार्टिंग में तो मेरे लिए 1 आवर, हाफ एन आवर भी बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो जैसे जैसे आपके कोर्स आ गए, मैम कोर्स आ गए, तो थोड़ा बर्डन हो गया, तो पढ़ना स्टार्ट किया, तो दिन में 4 आवर कंटिन्यूअसली बैठे तो कुछ नहीं लग रहा था। ओके, मतलब वो धीरे धीरे सिटिंग आवर्स ऑन एंड आ एवरेज गया। 4 to 5 पर की 6 आवर हो जाता था, ऐसे काउंट नहीं किया था, जब मन करे तो तब तो पढ़ लेना था। तो प्रशांत, सिलेबस कब तक फिनिश कर लिया था आपने, और उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए होंगे, तो वहां पे कैसे कैलकुलेशन किया कि प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी वीक हैं उस पे काम करना है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज करी उस टाइम पे? हाँ मैम, सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म हो गया मैंने अच्छे से। उसके पहले थोड़ा थोड़ा हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा जो मॉक टेस्ट है ऑन अकेडमी वो दिया करता था, तो मार्क ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। तो देखना पड़ता, जो जैसे कि रियल एनालिसिस तो मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा था, तो रियल एनालिसिस पे थोड़ा फोकस किया। देन जीटी, ये सब्जेक्ट में थोड़ा मैंने अटक जा रहा था, तो वो सब्जेक्ट में मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, बुक पढ़ा। देन जो ऑन एकेडमी में बात करने की जो फीचर आया, तो वो राइट हैंड ऑप्शन, वो बहुत मेरा मदद किया। तो जो दूसरे बच्चे हैं जैसे सौरभ हो गए, हिरणमय हो गए और सुदीप, उनका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा वो लोग कैसे सोच रहे हो, कैसे मतलब अच्छा रहे, तो उनसे सीख के थोड़ा थोड़ा मेरा इंप्रूव कर लिया था रियल एनालिसिस जीके वगैरह। एग्जैक्टली, वो मतलब कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहा है अनअकैडमी पे कि आप उन सभी लर्नर्स को सुन सकते हो जो ऑलरेडी उस टॉपिक में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो हाँ आप सर, उनकी अप्रोच से थोड़ा बहुत अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि वो बेसिकली सोच किस तरीके से रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि लाइक आपको कौन सा ऐसा टॉपिक लगा कि जो लगा कि यार कि हाँ इस टॉपिक में मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? रियल एनालिसिस सर, रियल एनालिसिस। और कौन सा ऐसे टॉपिक जिसमें लगा कि हाँ ये तो टॉपिक मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा वहां जाके? नहीं सर, इससे कोई लगा नहीं था, बट लिनियर अलजेब्रा मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया था थोड़ा। ओके, लिनियर हो रहा था, लिनियर इसलिए हो रहा था कि जब मैंने बोला, जब नहीं समझ आ रहा था जो 3 टॉपिक, तो आपने लिनियर स्टार्ट किया था और मैम ने ओडी, तो आपने उस टाइम बताया था कि हर दिन एक एक क्वेश्चन ग्रुप में डालना है, एक ओडी से और एक लिनियर अलजेब्रा से, तो वो भी मेरा मदद किया है। मतलब मैंने बहुत सारा पीडीएफ से, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ज़्यादा पीडीएफ मिल जाता था, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया, सॉल्व कर लिया था, तो ओडी और लिनियर अलजेब्रा वहाँ से अच्छा हो गया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि लिनियर अलजेब्रा अच्छा हो जाएगा। एंड इस बार लीनियर अलजेब्रा और ओडी से क्वेश्चन भी काफी सिंपल आए थे, तो सारे ही लग गए होंगे। नहीं सारे नहीं, तो अब ऑन एंड एवरेज हो गया। ओके, तो जैसे कि आपके हाथ में अब रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो मोमेंट का हम लोग अब आते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अंदर जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आईआईटी जैम का एग्जाम देने के लिए। तो उससे पहले ऐसा कुछ मन में था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर जाके कैसे क्या चलेगा, सीन पता नहीं चल रहा कुछ भी, या माइंड एकदम पूरा ब्लैंक वो माइंड सिचुएशन? एकदम पूरा ब्लैंक, एकदम के बिफोर माइंड एकदम ब्लैंक, डर लगा था तो क्या होगा। जब जब एग्जाम का पेपर आ गया, तो फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन ही एकदम ऐसे ही चल गया, तो इजी इजी था। देन मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो मैंने क्या किया, एनएटी में चला गया। तो एनएटी में चला गया तो थोड़ा कैलकुलेटिव मेरे को लगा, तो वहाँ से मेरा टाइम निकल गया था। देन ऐसे ऐसे बैक पैक आया, तो मैंने फ्रंट से शुरू किया था तो और अच्छा होता, देन बैक पैक आया तो थोड़ा दिक्कत हो गया, अच्छा थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो गया मेरे से, ये तो अच्छा हुआ है। कोई तो रिस्पॉन्स की वगैरह आई होगी, देन आंसर की भी आई, आपने मैच किया होगा, देन तो लग गया होगा ना कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हम जब आंसर की मैच किया, तो फर्स्ट जब अनऑफिशियल किया तो मेरा 35.33 बन रहा था, तो मेरे को लगा कुछ नहीं होगा। दिन अध्ययन भाई से बात किया, तो अध्ययन भाई ने
थोड़ा वेट करो, नहीं तो देखो कुछ हो सकता है। तो मेरे बोल दिया नहीं, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन है तो शुरू कर देना है अगले। तो थोड़ा भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो 1 साल का जस्ट ये था तो दिक्कत हो रहा था, बट ये कर देते, मैंने शुरू करने का मान ले लिया था कि 1 साल एक बार और देना है। तो जब देन ऑफिशियल आया तो 37.33 बना, तो लगा एनआईट हो जाएगा शायद, बट आईआईट हो जाएगा, यही नहीं था, ओके तो ऐसा उम्मीद ही कुछ नहीं था। मतलब पता चला था से लास्ट टाइम के जो जैसे ऑब्वियसली बात है इस स्कोर पे लास्ट टाइम पे जो रैंक थी वो काफी ज्यादा थी। हाँ सर, तो जब आपने रिजल्ट चेक चेक किया तो जब आपका वो टाइम आ चुका, रिजल्ट आ चुका है आपके पास, तो ऐसे स्क्रीन को जूम इन जूम आउट ऐसा कुछ किया क्या वहां पर कि एग्जैक्टली इतनी रहेंगे या फिर थोड़ा आगे पीछे नंबर और लिखे हुए हैं? हाँ सर, तो क्या क्या मैंने एक फिल्म देख रहा था, तो एक फ्रेंड ने बोले तुम्हारा रैंक क्या है, मैंने बोला किसका रैंक खड़ा, बोले जाम का, मैंने बोला अरे 22 को आना है, तू मजाक कर रहा है, तो बोला अरे नहीं आ रहा है, आ गया। मैंने चेक किया तो 360 पर आया, मैंने एकदम अनबिलीवेबल था। तो देन लगा कि 360 पर में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब अच्छा ऐड नहीं मिलेगा। तो तब टेलीग्राम में देखा था, मैम इंफॉर्मेशन दे दिए कि रिजल्ट आ गया, आप चेक कर लो। तो मैम की क्लास था, देन मैम के क्लास में गए, तो मैम बोले अच्छा यहाँ के कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा लगा। देन आपसे बात हुए था, अरविंद भाई से बात हुए, तो देन खुश हो विश्वास गया। हो गया कि तब हाँ जब आईआईटी देखा मिल जाएगी। कैटेगरी में, देन देखा कि कैटेगरी ओबीसी में अच्छा मिल जाएगा आईआईटी, तो दिल एकदम खुश हो गया। चलो दिल गार्डन गार्डन हो गया ना। यस सर, थैंक वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रशांत, एंड एनी सजेशंस यू। और टिप्स वुड लाइक टू गिव टू 2023 एस्पिरेंट्स? ये बोलूंगा कि तुम्हारा टाइम कभी वेस्ट मत करना। मेरे जैसे मैंने एकदम 1.5 साल या 2 साल एकदम वेस्ट कर दिया था। तो मैंने जो बीएससी में जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक था वो मेरे को बहुत दिक्कत करा, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एकदम मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो टाइम वेस्ट मत करना, जितने भी टाइम मिले उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो। ओके तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में, जर्नी से अगर हम देखें तो सीखने को सिर्फ यही मिला है कि टाइम और प्लस कंसिस्टेंसी दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपने उस टाइम को कैसे यस आपने सर, यूज किया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आप बैचलर्स में स्टार्टिंग के 2 साल में कुछ नहीं पढ़ते हो देन उसके बाद उसी फील्ड में आपको आगे अपना करियर कैरी कर मतलब कैरी ऑन करना है तो वो सब चीजें बेसिक चीजें साथ में लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 4 से हाँ 3 महीने आराम से लग जाता है वो चीज। सर, ओके सो फाइनल क्वेश्चन, तो आप अपने इस सक्सेस का क्रेडिट किस किस को देना चाहते हो? फर्स्ट तो मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा, देन आप दोनों को, देन आप दोनों ही एकदम मेरा पाथ ही अलग कर दिए। देन मेरे फ्रेंड को जो बोले थे हो जाएगा टेंशन नहीं लेना, उनको और ओके सभी मेरे टीचर। ओके एक लास्ट क्वेश्चन और, तो आपने जैसे अभी काउंसलिंग सेशन अभी चल रहा है या आई थिंक हो चुका है राइट? यस सर, तो अभी आपने कौन 14 को सी एक्सटेंड हो आईआईटीज गया को है। प्रेफर किया है? यस सर, तो आपने कौन कौन सी आईआईटी चूज की है? मैंने दिल्ली और गुवाहाटी चूज किया है। दिल्ली और गुवाहाटी मतलब अप्लाइड पार्ट की तरफ। यस सर, ओके चलिए ओके प्रशांत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ग्रेट रैंक। सो नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू, दे माइट सी एंड गेट समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू। Thank you यस so much for joining us for this थैंक यू, interview. थैंक Thank यू you, सो ma'am. मच प्रशांत। Thank you, sir.